अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनिक जन्म प्रॉपर्टी एडवाइज़र में खुश आमदीद, मैं हूँ दिलावर रहमान और आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो एक घर पे बनाई गई है, 5 मरले का सिंगल स्टोरी एक घर है। सबसे पहले मैं आपको इस घर की जो लोकेशन है वो क्लियर करता चलूँ। तो ये जादे में आते हैं, लेकिन जो इसका मौज़ा है, मौज़ा इसका महमूदाबाद है। मोहल्ला जादा आ जाएगा, जादा मल्ला चौधरियाँ, मौज़ा महमूदाबाद। कंप्यूटराइज पेपर है, एवरीथिंग सब कुछ ओके है। लोकेशन आपको डिटेल के साथ क्लियर कर देता हूँ। तो हफीज़ सुपर स्टोर आप क्रॉस करते हैं तो उससे थोड़ा सा आगे आएँ तो आपकी लेफ़्ट साइड पे आर पब्लिक स्कूल है। ये सामने देख सकते हैं, ये येलो बिल्डिंग है जो ये आर पब्लिक स्कूल की है। इसकी आर पब्लिक स्कूल के बिल्कुल बैक साइड पर ये गली आती है। आर पब्लिक स्कूल के बिल्कुल साथ भी गली आ रही है, और अगर आप जाते लाल हवेली वाली साइड से आते हैं तो वहाँ से भी गली आती है। गली छोटी है लेकिन लोकेशन अच्छी है। गैस, पानी, बिजली एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल द्वार के साथ टच भी है। सिविल हॉस्पिटल की बैक साइड आती है इस घर की। 5 मरले सिंगल स्टोरी घर है, 3 रूम है, किचन, बाथ, हॉल, बंद गली है। कोई सी अननोन पर्सन का कोई आना जाना नहीं है, कोई लिंक नहीं है, सेफ़ एरिया है, हर लिहाज से सेफ़ एरिया है। बंद गली आ जाती है, बंद गली में ये घर है। 5 मरले सिंगल स्टोरी है। तो आज की डिटेल वीडियो इस घर पे बनाऊंगा, आपको इसका मुकम्मल अंदर का विज़िट करवा देता हूँ। इसकी जो डिटेल्स और प्राइस है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो में आपको कोड कर दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो गैस वाले एरिए में नॉर्मल घर खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो इस घर को अवेल करें। तो ये बंद गली आप देख सकते हैं, ये आगे बिल्कुल कॉर्नर पर लास्ट पर यह घर है। तो अंदर का आपको इसका विज़िट करवा देता हूँ। सिंपल सादा घर बना हुआ है, लोकेशन अच्छी है, ज़बरदस्त लोकेशन पे है। बैक साइड पे ये देखें तो काफ़ी बड़े साइज़ का हॉल है। हॉल के ऊपर ये तैयार छतें हैं जिसे आप रेडीमेड छत कहते हैं। नीचे सादे फर्श हैं। बिल्कुल फ्रंट पे एक रूम है, ये काफ़ी बड़े साइज़ का बेडरूम है। इधर लेंटर है, बाकी तकरीबन सारा रूम्स पे ना एवरीथिंग सब कुछ लेंटर है। और सीलिंग का यूज़ किया गया है। बिल्कुल फ्रंट पे साइड का व्यू करें तो बहुत दो रूम बिल्कुल ये सामने हैं, एक रूम इस साइड पे है। और एक रूम इस साइड पे है। और बेसमेंट भी है इसका। और बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो ये इसकी किचन है। इस किचन को जो एग्जॉस दिया गया है वो सिविल हॉस्पिटल वाली साइड पे दिया गया है। ये सिविल हॉस्पिटल की द्वार है, इस साइड पे ये सिविल हॉस्पिटल है। और नीचे इसका बेसमेंट भी है। बेसमेंट इतना ही है जितना ये रूम है, इस रूम के साइज़ का। यहाँ पर ये नीचे बेसमेंट है। टोटल 3 रूम है, एक बेसमेंट है, किचन, बाथ, और ये इसका बाकी सारा हॉल आ जाता है। तो आपको छत का भी व्यू करवा देता हूँ। अराउंड में जो आबादी है उस आबादी का भी तकरीबन आपको व्यू करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये इसका ओपन छत है। बिल्कुल ये सामने देखें तो ये सिविल हॉस्पिटल, अपोजिट साइड पे ये सिविल हॉस्पिटल है। ये 5 मरले का ये घर है, बंद गली है, गैस, पानी, बिजली एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। मुकम्मल आपको मैंने घर का विज़िट करवा दिया है, डिटेल आपको इसकी बताता चलूँ। तो इसके 3 रूम हैं, 2 बाथ हैं, किचन है, और बाकी ओपन सारा हॉल है। वाटर टैंक यहाँ पर लगा हुआ है, पानी बिजली सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। तो इसकी डिमांड की तरफ जाएं तो ओनर इसकी डिमांड कर रहे हैं 45 लाख, 45 लाख इस घर की डिमांड है। बाकी एट द स्पॉट बैठ के रिजनेबल हो जाता है। जो इंटरेस्टेड हज़रात हैं वो रब्ता कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और स्क्रीन पे भी आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।